एवरीवन फ्रेंड, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप इंडिया जा रहे हैं जर्मनी घूमने के लिए तो एक रात का किराया कितना आ सकता है होटल का, यानी कि एक रात में अगर हम रुकना चाहते हैं जर्मनी तो सबसे सस्ता सस्ता होटल कितने तक का स्टार्ट है, यानी कि सबसे चीपेस्ट होटल कितने तक का है जर्मनी में। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, तो बने रहे इस वीडियो में, पूरा देखना, काफ़ी मज़ा आएगा। वीडियो को लाइक कर दो और यहाँ पर चलते हैं सीधे वेबसाइट पर। वेबसाइट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर गोवा वीवो मेक माई ट्रिप दोनों ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर गोवा वीवो से बुक कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीधे होटल पर क्लिक करेंगे। होटल पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इंटरनेशनल पर क्लिक करना पड़ेगा। इंटरनेशनल पर क्लिक करने के बाद सीधे आपको जिस भी लोकेशन में बुक करना है उस लोकेशन में सर्च करेंगे, और यहाँ पर देखो जर्मनी जैसे ही डालते हैं बहुत सारे लोकेशन आ जाता है, जिस भी लोकेशन में बुक करना है बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपल सा देख लो, यहाँ पर चेकिंग है, चेकआउट है, तो चेकिंग पे हम सीधे क्लिक करते हैं। यहाँ पर मान लो हमें 23 को एंट्री करना है तो 23 को हम एंट्री करते हैं, 24 को चेकआउट कर देते हैं। और यहाँ पर रूम और गेस्ट है, मतलब कितने लोग को यहाँ पर आप एंट्री लेना चाहते हैं, मतलब कि आपके साथ कितने लोग हैं, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, उस हिसाब से अपना ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम एक लोग के बताने वाला हूँ कि एक लोग के लिए एक रात के लिए कितना का आपको खर्चा आ सकता है रुकने का। तो यहाँ पर सीधे सर्च होटल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पर देखो ये सब ट्रेंडिंग होटल्स हैं। ट्रेंडिंग होटल की मैं बात करूँ तो ये सब वो होटल हैं जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले होटल हैं। और यहाँ पर देख सकते हो रेट इन सभी का, अभी मैं सस्ता होटल बताने वाला हूँ। ये देखो 7,627 रुपये, और ये देखो 11,171 रुपये, ये देखो 16,286 रुपये, ये देखो 18,483 रुपये, ये देखो 9,553 रुपये। इस हिसाब से होटल ये सब पॉपुलर होटल, लेकिन हमको सबसे सस्ता बुक करने के लिए यहाँ पर पॉपुलरिटी पे क्लिक करना पड़ेगा, यानी जो सॉर्ट बाय में पॉपुलरिटी उसको क्लिक करके हमें प्राइस लो टू हाई करना है। और उसके बाद जैसे ही ओपन होता है यहाँ पर देख सकते हो 911 रुपये में होटल स्टार्ट है, 911, फिर उसके बाद 11,000, फिर उसके बाद नहीं सॉरी 11 नहीं 1,148 रुपये, फिर 1,165 रुपये, 1,196 रुपये, 1,202 रुपये, यहाँ पर 1,217 रुपये, 1,267 रुपये, 1,300 रुपये, यानी कहने का मतलब आपको 1,000 रुपये से होटल स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर जर्मनी में। 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 1,500 रुपये, लेकिन घूमने जा रहे हो तो कम से कम 1,500, 2,000, 3,000 का होटल लें। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो भी होटल दिख रहा है आपको वो उसका पहले बुक करने से पहले आप 2 चीज़ें हमेशा याद रखें कि उसका रिव्यू रेटिंग ज़रूर देखें, कम से कम 3.5 से ऊपर की रेटिंग होनी चाहिए, और रिव्यू देख लो अच्छा है तभी बुक करो, ठीक है। उसके बाद कोई भी होटल आपको पसंद आता है तो उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसके टर्म्स एंड कंडीशन सब चीज़ें डिटेल्स देखो पढ़ो, फिर उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर सेलेक्ट रूम में करो। सेलेक्ट रूम पे करने के बाद जो भी पसंद आता है उसके बाद जो भी पेमेंट आता है यहाँ पर देख सकते हो 1,307 रुपये आया है, तो 1,307 रुपये पे करने के बाद पे करने से पहले यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब चीज़ डालने के बाद तब आप पे करो। पे करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे सब डिटेल्स आ जाता है बुकिंग की। बाकी ऐसे ही बुक करना है। आपको बताओ कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, नए मेहमान तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।